आइए आपको दिखाते हैं राखी का फूल। रक्षाबंधन में राखी का प्रयोग होता है और इस फूल को आप देख रहे हैं, देखिए कितना कलात्मक है। यह है राखी का फूल, इसको पीछे से भी देखिए और आगे से भी। फूल तुम्हें भेजा है खतबे, तो यह राखी का फूल है। फूल पर तमाम कविताएं और फिल्मों में, और फूल जैसा आदमी को लोग आशीर्वाद देते हैं कि आप खिलिए फूल जैसा और फूल जैसे मुस्कुराइए, फूल जैसी आपकी सुगंध बिखरे चारों तरफ। हमारे साथ अभिषेक हैं, राखी है ना ये? जी राखी का फूल है। राखी का फूल है। यह कितने समय पहले लगाए थे इसको? इसको एक साल। विशेषता बताइए। ये मतलब इसको कृष्ण फूल भी बोलते हैं, कृष्ण अच्छा। फूल, क्योंकि इसमें ये जो ये पंखुड़ियाँ हैं ये 100 होती हैं, कौरव को दर्शाती है। अच्छा। और इसमें ये 5 जो है पांडव। अच्छा। और ऊपर श्री कृष्ण बताते हैं, मोर मुकुट है श्री कृष्ण। अच्छा, तो मतलब कौरव घेरे हैं 5 पांडव। हाँ, मतलब ये अलग अलग ढंग से वो 3 जो है वो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। जय हो जय हो जय हो। देखिए अभिषेक के पिताजी हैं और बताए हैं कि तमोगुण रजोगुण सत्वगुण। हाँ, इससे प्रभावित होकर के उसमें जो है कौरव कोई बन जाता है, कोई पांडव बनता है। पांडव बन जाता है। हम लोग किसमें हैं? कौरव में भी अगर रहना हो तो कर्ण की भूमिका में होना चाहिए। आइए, यह क्या है? मनोकामनी। मनोकामना पूर्ण होती है क्या? जी। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब जहाँ हैं आप वहीं स्थापित रहिएगा। यह है बुल्ली डाक, पाकिस्तान वाले बुल्ली डाक। यह सिंध प्रांत में पाए जाते हैं, बड़े बहादुर हैं। और यह क्या है? ये चंपा। चंपा, चंपा चमेली बड़ी अलबेली। मनोज तिवारी एक गाते हैं और वही रिंकिया के पापा। हाँ, लेकिन बड़ा दुर्गत हुई बेचारे की। आप जैसे आदमी कर देता है कभी कभी ना, उसको क्या पता कि हम इस ऊंचाई पर भी जाएंगे और रिंकिया का पापा हमारे लिए अभी साफ हो जाएगा। ही हंस दे। तो चंपा चमेली भी एक गीत गाए हैं वह, बड़ी अलबेली और क्या। चलिए आइए, यह क्या है? ये भी चंपा है। अच्छा, ये भी चंपा है। स्वर्ण चंपा। स्वर्ण चंपा। वाह 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 वाह। यह कनेरी चंपा। अच्छा, यह चंपा है, ये भी चंपा है। इसके फूल पे मतलब भौरा नहीं बैठता, मक्खी नहीं बैठता। अच्छा, मतलब उनको सूट नहीं करता या फिर? नहीं नहीं, मतलब उनका विशेषता है। विशेषता। आइए अब आपको दिखाते हैं कि यह है जो बुनकर प्रजाति की जो छोटी बया पक्षी है उनके लिए अगर कोई आसियाना बच गया है तो यही है। लाल मुनि चिरई देहात में ऐसा ही बोलते थे। बया पक्षी जो बुनकर प्रजाति है, तो ये इनके घोंसले हैं और इसमें इन्होंने अभी अंडा बच्चा भी दिया है, कुछ ऐसा है। अंडे देती हैं, सबसे छोटी चिड़िया होती हैं। यहाँ भी उनके घोंसले हैं, एक बार इधर देख सकते हैं, ऊपर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ। और कुछ पक्षियों का मैंने लिया भी है। तो क्या भैया, आंवला है उस तरफ, देखिए छत पर गौरैया लोग दिख रही हैं। और इधर कदम है, भगवान श्री कृष्ण वाला कदम। ये आंवला है, आंवला जरूर खाइए, आंवले का सीजन आ गया है। और आंवला अगर प्रयोग करेंगे तो बड़ा आनंददायक रहेगा। मैं कच्चा आंवला खूब खाता हूँ। थाई आंवला, थाई आंवला। अच्छा, इसकी और उसमें क्या है? बड़ा बड़ा होता है, इसे ज्यादा फल लेता है, बड़ा फल लेता है। अच्छा, ये कदम है, बहुत मीठा है। हां, बहुत मीठा है और अच्छा माना जाता है। चलिए हम देखें हैं, कभी देखेंगे, कभी खाए नहीं है। इधर इधर गुड़हल होगा या? हां, ये गुड़हल। यह वाला ये गंधराज। गंधराज, यह तुलसी है, आप पहचान ही रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? चंदन। वाह 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 वाह। कह रहीम कैसे निभे, नहीं नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो यह चंदन है। कौन सा चंदन इसको बोलते हैं? सफेद। सफेद चंदन तो बड़ा महंगा बिकता है ना? जी, इसके पेड़ मतलब अगर ये 1 फीट मोटा हो जाएगा तो 10-10 लाख का ये पेड़ मिलता। अरे बाप रे, तो ये सबसे बढ़िया तो यही करने लायक है। लेकिन कुछ परमिशन भी लेते हैं क्या इसके लिए? नहीं, कोई परमिशन नहीं लगाने। यह सफेद सफेद फूल खिले हुए हैं। यह किस चीज के फूल है? यह भी गुड़हल है। वाह 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 वाह, सफेद गुड़हल, पहली बार मैं देख रहा हूँ इसको। यह आम है, अमरूद है, अनार है, वो भी चंदन है, लाल वाला।
कौन सा लाल वाला है? लाल वाला चंदन ही है। अच्छा ये वाला लाल चंदन, ये लाल चंदन। ये तो लताओं जैसे लग रहा है, ऐसा है नहीं। इधर हल्दी है और उधर गुलाब है। ये ड्वार्फ वैरायटी का कोकोनट नारियल, नारियल है। नारियल ये वाला क्या है? ये मनोकामिनी, ये भी मनोकामिनी ये भी है। और उधर पपीता है, पपीता उधर मित्र बोलते हैं इसको। ये आम है या हल्दी है? ये रातरानी है, वो इलायची। अच्छा इलायची भी है, इलायची का पौधा है। अच्छा इलायची का, इलायची। वाह 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 वाह। और यह गेंदा है, आप पहचान ही रहे हैं। यह है पारिजात, पारिजात। इसको और क्या बोलते हैं? हरि श्रृंगार, हरि श्रृंगार। इसके फूल बिखरे रहते हैं। और कुछ कहानीकारों ने कौन सा पेड़ भैया, हर सिंगार लिखा है। कौन सा वृक्ष है? रातरानी है। उधर धतूरा है, भगवान शिव खाते थे। काला धतूरा है, यह भी गुड़हल है। इसका फूल भी काला होता है। अच्छा इसका फूल भी काला होता है। देखिए ये धतूरा है, यह जहर भी है जी। और दवा भी है जी। और इस दिल में क्या रखा है? फिर कह रहा है, सवाल होता है, और इस दिल में क्या रखा है? कह रहा है तेरा ही नाम छुपा रखा है, और क्या है? क्यों यही है ना जी, जी। अभी इसका एहसास हुआ है कि नहीं? अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं ना जी, जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं अभिषेक, तो अभी दिल में हलचल कुछ होती है कि नहीं? यही है कि मतलब सेवा करें देश की। चलिए चलिए, अभिषेक को वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन हमारे तत्वज्ञानी जो हमारे मित्र हैं वह जरूर पहुँचेंगे। पूछ रहा है कि और इस दिल में क्या रखा है? कह रहा है क्या, कुछ नहीं है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। फिर कह रहा है दीवानों ने इस दुनिया में, कह रहा है कि दर्द का नाम दबा रखा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ आनंद लेते रहिए। मुझे नहीं पता इस किस फिल्म का यह गीत है, लेकिन हमारे जो तत्वदर्शी मित्र लोग हैं वह जरूर बताएंगे। यह कमल है, कौन सा कमल है? ये गुलाबी, गुलाबी कमल है। इस देखिए इसमें यह है, फल लगे हुए हैं, क्या है यह? बीज इसको, इसको बीज हमने खाया भी था, अभी हम सुहेल देव धाम पर गए थे तो वहाँ मैंने खाया था इसको। बड़ा कठोर होता है यह है। बहुत कड़ा है, नहीं टूटेगा, तोड़ देंगे। ब्राह्मण आदमी हूँ, ऐसा थोड़ी है। अभी पका नहीं है तो नहीं टूटेगा, तोड़ देंगे। देखिए तो यह लौकी देख रहे हैं आप, और यह कदम है। आइए एक चीज पर हमारी दृष्टि गई है, उसको हम दिखा नहीं पाए हैं वीडियो के दौरान। आइए दिखाते हैं हल्दी का फूल। हमारे सम्मानित छायाकार हैं मोहम्मद साद शेख, उनसे कहूँगा कि एक बार आगे से दिखाएं। यह है हल्दी का फूल। हल्दी बहुत ही गुणकारी है, औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। पानी भी कम लगता है, खाद भी कम लगता है। और अब इसे क्या, तो सब ऑर्गेनिक होगा जी? जी सब गोबर। वाह वाह, टंकी फट गई, टंकी फट गई, पेट भी फट जाता है अधिक खाने से। तो यह टंकी फट गई थी तो इसका इन लोगों ने सदुपयोग कर दिया, इसमें पानी भर दिया, काटा इसको। सफेद कमल, सफेद कमल है। इसमें मछलियाँ भी हैं, एक बार नजदीक से दिखाइए, दिखेंगी तो नहीं लोग, लेकिन इसमें भीतर मछलियाँ हैं। अच्छा अभिषेक एक चीज़ है, कुछ पक्षियाँ आती हैं और ऐसे करके और ऐसे मारती हैं जी जी, तो आक्रमण कर यहाँ आती है कि नहीं? नहीं इधर तो नहीं है, पहले थी, अब नहीं, पहले थी, विलुप्त हो गई थी। तो वह खा जाती हैं इनको, हाँ मछलियाँ। आइए आइए हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी दिखाते हैं। यह नीम है, नीम की पत्ती में खूब चबाता हूँ। यह गिलोय है, क्यों सही चल रहा हूँ ना जी, जी, गिलोय। यही भैया प्रैक्टिकल है, लोग कहते हैं ना, तो ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल चूंकि किसान का बेटा हूँ तो 50% तो मार्क्स मिलेगा ही, हमको बता दूंगा सब। ये आम है, ये अमरूद है, ये थाईलैंड का है, रेड थाईलैंड का है, इसका फल भी लाल होता है। अच्छा यह गन्ना है जी, और कचनार है, कचनार, ये अंजीर। अच्छा अंजीर है, वाह वाह वाह, इसको मिलना चाहिए पकेगा। अच्छा मैं थोड़ा सा खद्दूक हूँ, खद्दूक एक देहाती भाषा है। और ये कचनार, ये फूल है, देखिए इसको खा गया, कचनार है। उधर नाशपाती, नाशपाती भी है, वाह। यह क्या है? ये नाशपाती, यही नाशपाती है। और यह अनार है,
यह मदार है, मदार, इसको पैर के नीचे मोजा में पहन लेंगे जी। ऐसे इसको इसको लगाएंगे शुगर के लिए होता है, शुगर के लिए और मोटापा भी कम होता है। तो यह केला है, किस प्रजाति का केला है? ये छोटी वैरायटी, छोटी वैरायटी का केला है। यह कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर? इधर भी होता है, इधर भी होता है, खेती करते हैं लोग। इधर फल भी लगा है और उधर भी है। यह आम है, यह पपीता है, उधर मित्र कहा जाता है इसे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए हम दिखाते हैं, सेब भी दिखाएंगे आपको। और यह बड़ी प्रजाति का केला है। केला का फूल भी चोरी बहुत होता है, इधर कोई फूल दिख नहीं रहा है, लोग फूल पूजा करने के लिए ले जाते हैं। और भूत भूत खेलिया में फूल का प्रयोग होता है। हाँ, यह भी है, देखिए इधर फूल लगा हुआ है। आइए मैं नीचे से दिखा देता हूँ, देखिए यह फूल है और यह फल लगा हुआ है। यह क्या है? ये फूल है, नाम नहीं जानता मुझे। भाई साहब, भाई साहब आइए, मौसम्मी अभी यह पकी नहीं है जी, अभी छोटे छोटे और बड़ा बड़ा होगा ये ना जी। ये सेव, यह पहले इसका भी, यह इसको जोरांकुस क्या, नहीं क्या बोलते हैं, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास। अच्छा, इसको क्या करते हैं? इसको चाय में डालते हैं, चाय में। तो इसको और कुछ बोलते हैं पता नहीं, इसको स्टीविया बोलते हैं। ये मीठा लगता है खाने में, ये चीनी की तरह लगता है, मतलब इसकी पत्ती और इसको डाल के आप चाय बना सकते हैं। ये चीनी रहता है स्टीविया, और ये तो क्या है, सहतूत, सहतूत है। वाह वाह वाह, इधर आम है, इधर भी मौसमी है, इधर गुड़हल है, ये सेब है। आइए इनसे भी मिलिए, ये सेब है, नीचे पपीता है और कुछ और इधर है, नारियल है, नारियल थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं अब बस। इधर देखिए पुदीन हरा भी है, बड़ा आनंददायक है इसका। देखिए पानी की जगह इसका इसको लगा दिया गया है। इधर तुलसी मैया है, और इसको क्या बोलते हैं? ये पीला कमल, पीला कमल है। जैसे कई प्रकार के कमल भी आपने देखा, और सूरन देखा, ये लीची है, सही है ना जी। और ये पान, पान है, देखिए पान खाए सैया हमारो, ये पान खाए के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। पान इसको धुल के लाइए दोस्तों। कभी कभी पान में महीने में 2-3 बार तो खा ही लेता हूँ। उससे क्या होता है, चूना, चूने से कैल्शियम मिल जाएगा। पान में भी कई प्रकार के पोषण हैं, तो मैं पान बिना चूने के ही चबा लेता हूँ। वाह, एकदम स्वाद बढ़िया रहा है। देसी वाला पान है, कौन सा है? जी जी, देसी वाला। खाई के मगहिया के पान। आगे का, आगे की लाइन याद है? जी नहीं। कौन बताएगा? खाई के मगहिया के पान, हे कैसे जान ले बाका। देहात में चलता है, जो देहात वाले होंगे उसको। और ये वो है, पपीता है, पपीता है, देखिए अभी का है, बड़ा अलग अलग है इसका, यह लटक लटक करके फल रहा है। तारीफ यह कि ऊपर यह नर जैसा है, नर है। और नीचे, लेकिन यह नर ही है, अगर यह हुआ रहता मादा प्रजात का तो यह काफ़ी अच्छा फल देता, लेकिन इसमें से भी फल आ गया है। ये लीची है, और लीची की बगान भी मैं दिखाया था। और भैया इसको ऐसे अगर पत्ती खाएंगे तो आपकी जुबान कट जाएगी। लोग देहात में कहते हैं कि अगर कोई गलत बोलता है तो कहते हैं, हे भगवान इनकी जुबान कट जाए। ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी जुबान कट जाएगी, ऐसे लोग बोलते हैं। तो यह भी, यह इसको क्या बोलते हैं, गुलचांदनी जी, सही है ना? हाँ। वाह, देखिए यहाँ कुछ गागर में लगाया गया है, आम है, बाद में गागर को फोड़ करके, और इसको फोड़ना ही पड़ेगा इसको तो। और यह सूरन है, देखिए यह सूरन है, ये देसी हवा है कि पहाड़ी है? सब देसी, सब देसी है। और उधर उधर जो पत्ता बड़ा बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? उसको केवड़ा बोलते हैं। और सुदर्शन भी बोलते हैं क्या उसको? हाँ, सुदर्शन, सुदर्शन भी बोलते हैं, केवड़ा भी बोलते हैं। उधर नींबू है, और ये वाला, इधर लौकी है। यह क्या है? ये जो बड़ा वाला नींबू चढ़ता है ना छठ माई की पूजा में, वो वाला, वो है। देखिए उधर भी है, छोटा फल है, छोटा फल है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो दोस्तों मजा आया, अभिषेक आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पहले भी यहाँ आया था, आज इधर आया था तो फिर से आ गया, और मैंने देखा जो पहले दिखा था उससे कुछ और भी बढ़ोतरी हुई है। लगातार पर्यावरण को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। अभिषेक लोग बात करना चाहे, कोई चैनल भी आपका है ना? जी जी, डॉग का, डॉग का।
तो यह इनके डाग है और किस नाम से है चैनल? बुल्ली कुत्ता इन गाजीपुर। बुल्ली कुत्ता इन गाजीपुर जी। तो चैनल आप देख सकते हैं और इस मामले में जो बुल्ली कुत्ते हैं 40,000 के लाए हैं, उनको दिखाते हैं कैसे उनका पालन किया जाता है और कैसे खर्च आता है, कितने में बिकते हैं और क्या उनकी क्राइटेरिया है। तो मैं हूँ अभिषेक। अभिषेक कोई नंबर? हाँ, मोबाइल नंबर है 75-299-10-961। तो दोस्तों, आप ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे साथ लगातार आपका स्नेह प्यार मिलता रहता है। आप चाहते भी हैं, यह गांव है, गांवी संस्कृति है, गांव का पर्यावरण है, गांव के लोग हैं, गांव का देसी मिजाज है, गांव का अपना एक अलग अंदाज है, अखड़ मिजाज है और लोग इस तरह से गांव में अपना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमें मीरा रेहटी दुल्लापुर जखनिया गाजीपुर। धन्यवाद।